हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम वर्क एंड वेजेस पढ़ने वाले हैं, कार्य और मजदूरी। आखिर में मजदूरों को मजदूरी किस हिसाब से मिलता है, कैसे बांटते हैं हम मजदूरी को, उस चीज़ को सीखेंगे। अगर आज आपको नया कुछ सीखने को मिलता है ना, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिस दिन हमारा 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा, चैनल पर सब्सक्राइब 1000 के पार हो जाएगा, उस दिन से हम लाइव क्लास लेना चालू कर देंगे। और पर डे 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी जो लाइव चलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि 1000 पूरा हो जाए। और आपसे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी इस काम को करेंगे और हम जल्दी से लाइव आ सकेंगे। हम इस क्वेश्चन को करते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन। हमने 82 क्वेश्चन कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा इस कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर में कंसेप्ट क्या है। तो आइए देखते हैं हम। मान लो कि दो लोग हैं, एक ए है एक बी है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है, 20 दिनों में, और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। अगर दोनों मिल जाएं, ए और बी, तो इनकी जो, अगर हम एलसीएम लेंगे 20 और 30 का, तो 60 आएगा। और इनका एफिशिएंसी क्या आएगा, इसका 3 होगा और इसका क्या होगा, 2 होगा। आप कितनी बातें समझ गए। आप तो एक जान गए हैं कि जिसका दिन कम होगा उसकी कार्यक्षमता अधिक होगी, जिसका दिन ज़्यादा होगा कार्यक्षमता कम होगी। अगर इन दोनों को एक साथ काम कराया जाता, ए प्लस बी दोनों को एक साथ काम कराया जाता, तो 5 एफिशिएंसी से काम करते कि नहीं करते। इतनी चीज़ें तो आप सीख गए थे। अब अगर ये बात बोला जाए कि इस पूरे काम को करने के लिए आपको 5000 रुपये दिए जाएंगे, कितने रुपए, 5000 रुपये दिए जाएंगे। अगर पूरे काम को करने के लिए 5000 रुपये दिए जाते, तब आप हमको बताइए कि ए का हिस्सा कितना मिलता या बी का हिस्सा कितना मिलता। इस तरह से आप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको हम कैसे निकाल पाएंगे। अगर हमको पूरी 5000 मजदूरी है ना, तो अगर ए का हिस्सा हमको निकालना होगा, ए का हिस्सा, अगर ए का हिस्सा निकालना होगा ना, तो कैसे निकलेगा। एक बात बताइए, कार्यक्षमता क्या है, 3 है। एक बात और समझिए यहाँ पे कि ये पूरे के पूरे काम को कराया गया है, उसके लिए उसको 5000 मिला है, और किसी ने काम छोड़ा या पकड़ा नहीं है, तभी हम इस तरह कर पाएंगे। नहीं तो अगर हमसे काम बोला जाएगा कि उसने काम पकड़ लिया या छोड़ दिया, तो वहाँ पर एफिशिएंसी का डीए में गुणा करके हम जिसकी कार्यक्षमता जितनी आती उस हिसाब से मजदूरी को बांटते। यहाँ पर अगर ये 3 और 2 5 दोनों ही 5 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो 60 काम को दोनों लोगों ने मिलके किया हुआ है। एक बात बताइए, अगर 3 काम एक कर रहा है, कितने में से, 5 में से, 5 काम में से 3 काम एक कर रहा है, और 5 यानी 3/5, 5000 का 3/5 मिलना चाहिए कि नहीं, इसे 5000 का 3/5 मिलना चाहिए कि नहीं, यानी 5 एक कम 5, एक को मजदूरी मिलेगी कितना, 3000 रुपये। अगर बी की बात की जाती, बी की बात की जाती कि बी को कितना मजदूरी मिलेगा, तो 2 काम 5 में से किया है, तो 5000 रुपये में से इसे 2/5 मिलेगा, यानी होता कितना, 2000 रुपये। अब बात को समझ पाए कि कैसे मजदूरी को कर सकते हैं। और एक कंसेप्ट और है कि जैसे 5 एफिशिएंसी, 5 एफिशिएंसी की वैल्यू 5000 आए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आएगी। तो यहाँ पर वर्क एफिशिएंसी के अनुसार हम मजदूरी को दे रहे हैं या बांट रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है ये है, करे कि अजय, विजय एंड संजय आर इम्प्लॉयड टू डू ए पीसेस ऑफ वर्क फॉर ₹5290। अजय एंड विजय टुगेदर आर सपोज टू डू 19/23 ऑफ द वर्क, एंड विजय एंड संजय टुगेदर 8/23 ऑफ द वर्क। हाउ मच शुड अजय बी पेड।
करें कि अजय, विजय और संजय 5,290 रुपए में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए। करें कि अजय और विजय मिलकर काम का 19/23 हिस्सा और विजय और संजय मिलकर काम का 8/23 हिस्सा करते हैं। अजय को कितना भुगतान किया जाना चाहिए? तो अब हम सवाल को करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अजय और विजय मिलकर काम का 19/23, मतलब 23 काम में से अजय और विजय की बात की जाए तो 23 काम में से 19 काम किए हुए हैं। अरे, पूरा का पूरा काम कितना है? 23 है। उसमें से अजय और विजय कितना काम किए? अरे, अजय और विजय 19/23, यानी 23 में से 19 काम। फिर कह रहा है कि विजय और कौन, संजय मिलकर 8/23, मतलब 23 में से 8 काम किए। अगर पूरा का पूरा काम 23 है, अगर इन दोनों को जोड़ा जाता तो देखेंगे अजय विजय यानी 2 विजय संजय आता कि नहीं। अजय प्लस 2 विजय प्लस 2 संजय, और ये 19 और 8 जोड़ते तो कितना आता? 27। और 23 काम ही है, यानी 4 काम एक्स्ट्रा है। यानी विजय कितना काम कर रहा है? 4। अगर विजय 4 काम कर रहा है तो अजय कितना कर रहा है? अरे, 15 काम कर रहा है। हमसे तो इसी की बात पूछी जा रही है ना कि अजय को कितना मजदूरी मिलेगा, यानी 15 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। टोटल है कितना? 23। इतना बात समझ पाए। और इसके लिए इनको पैसे कितने मिलेंगे? 5,290 का 15/23 इसको मिलेगा, यानी 5,290 का। अब 23 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर 23, 15 × 3 = 45 को 5, और 15 × 2 = 30, यानी 3,450 रुपया किसको मिलेगा? अजय को। बात को समझ पाए? आप तुरंत ही इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे अगर सीख जाएंगे एक बार तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा कि इफ ए हैड वर्क एलोन ही वुड हैव टेकन 63 आवर टू डू द टास्क, व्हाट इज द वी शेयर इफ ए एंड बी टुगेदर ऑन ए टास्क फिनिशिंग इट इन 36 आवर एंड दे गेट पेड रुपए 5,950। करा कि ए हैड वर्क एलोन, ए अगर अकेले काम को करता है तो ही वुड हैव टेकन 63 आवर, तो वो 63 आवर लेता है। ए अगर अकेले काम करेगा तो कितना लेगा? 63 आवर लेगा। और इतनी बात समझ में आ रही है? व्हाट बी शेयर, तब बी का हिस्सा क्या होगा अगर इफ ए एंड बी टुगेदर ऑन ए टास्क फिनिशिंग इन 36 आवर, और ए और बी दोनों के दोनों अगर साथ काम करते तो कितना घंटे लेते? अरे, 36, यानी 36 घंटे लेते। तो बी का शेयर बताइए। अगर यहाँ पर ये टाइम का रेशियो है, ए अकेले कर रहा है तो 63 घंटे ले रहा है, अगर दोनों मिल जा रहे हैं तो 36 घंटे। एक टाइम का रेशियो है कि नहीं, तो एफिशिएंसी का रेशियो होगा क्या? अरे, 36 और 63 हो जाएगा कि नहीं? हमने पढ़ा है टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम। तो 9 × 4=36 और 9 × 7=63, यानी 4:7 का रेशियो आया कि नहीं? अरे, 4:7 का रेशियो आया कि नहीं? अब यहाँ पर हम मिटा के इसको क्या लिख सकते हैं? इनकी जो एफिशिएंसी की रेशियो है 4:7 है। अरे, इतनी बात समझ पाए आप? अगर इतनी बात समझ पाए तो एक बात बताइए, हमसे बी का पूछा है, अगर ए का 4 है तो बी का होगा कितना? अरे, 3 होगा, तभी तो दोनों का मिला के 7 आ रहा है। यानी अब हमसे जो पूछा है कि 5,990 रुपये में बी का शेयर कितना है, तो 3 काम कर रहा है और कितने में से? 7 काम में से। तो इसे 5,950 रुपए में से कितना मिलेगा? तो मिलेगा कितना? अरे, 7 × 7 = 56, 59 और 7 × 5 = 35, और 8 × 5 = 40 को, सॉरी, 5 × 3 = 15 को 5, और 8 × 3 = 24 = 25, यानी 2,550 रुपये। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है।
इस प्रकार आप कर पा रहे हैं बिल्कुल आसान तरीकों से। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे अगर एक बार आप सीख जाएंगे तब। आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि एक ही लाइन में इसका आंसर दे पा रहे हैं आप, एक ही लाइन में। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप सीख जाओगे ये सब करने की जरूरत है। 4:7 का रेशियो है, नहीं 3 उसका है, 3 7 काम में से 3 काम वो कर रहा है, तो 5950 रुपये में से उसका हिस्सा हुआ कितना, 3/7 हो पाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए करा कि ए एंड बी कैन डू ए पीसेस ऑफ वर्क, आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? कई लोग तो देख के भी कमेंट नहीं करते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो कमेंट नहीं करते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं। जैसे कोई चीज़ हो जाती है न्यूट्रल तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता, उसी तरह हो गए हैं लोग। अरे आप पढ़ाई पर ध्यान दो, एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। ए एंड बी कैन डू ए पीसेस ऑफ वर्क इन 6 days and 8 days रिस्पेक्टिवली, विद द हेल्प ऑफ सी दे कम्प्लीट द वर्क इन 3 days एंड अर्न रुपए 1848। व्हाट वॉज द शेयर ऑफ सी, करा कि ए बी क्रमशः 6 और 8 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। ए कितना दिन ले रहा है, ए कितना दिन ले रहा है, 6 दिन। बी कितना दिन ले रहा है, अरे 8 दिन। सी की मदद से उन्हें 3 दिन लगता है, अगर तीनों को मिला दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी को तो ये कितना दिन ले रहा है, 3 दिन। अरे आएगा एलसीएम क्या, 24 ले सकते हैं, 6 चौक 24, 8 3 24 और 3 8 24, यही आएगा ना। अब एक बात बताइए, हमसे पूछा क्या है कि सी का हिस्सा बताइए, सी का हिस्सा क्या था। अगर इन दोनों का 7 है, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 8 यूनिट काम हो रहा है, यानी सी कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, यानी 8 में से 1 हिस्सा किसका है, सी का है, और 1848 रुपये में से उसे 1/8 मिलेगा, यानी होगा कितना, 8 × 16 17 18 8 3 24 8 1 8 231 रुपये, 231 रुपये। ये देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है, आप ये एक ही लाइन में इसे कर पा रहे होंगे, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस में पूछा गया है। आप देखेंगे कि अगर आप एक बार समझ गए तो सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, यहीं से देखते आप कर पाओगे इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा कि ए स्किल्ड है हाफ, ए स्किल्ड कॉमा ए हाफ स्किल्ड एंड एन अनस्किल्ड लेबर्स वर्क फॉर 7, 8 and 10 days रिस्पेक्टिवली एंड दे वर्क टुगेदर गेट रुपए 369 फॉर देयर वर्क इफ़ द रेशियो ऑफ देयर इच डेज वर्क इज 1/3 / 1/4 / 1/6 देन हाउ मच डज द ट्रेंड लेबर गेट। करें कि एक कुशल, एक अर्ध कुशल और एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7, 8 और 10 दिनों के लिए काम करते हैं। एक स्किल्ड है, स्किल्ड स्किल्ड का मतलब समझ रहे हो, अरे कुशल जो काम को कर पा रहा है। एक हाफ अनकल स्किल्ड, हाफ स्किल्ड। तीसरा अनस्किल्ड है, जैसे कुछ नहीं आता है फिर भी वो काम कर रहा है। ये 7 दिन काम करता है, ये 8 दिन काम करता है और ये कितना दिन, 10 दिन काम करता है। करा कि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 369 रुपये मिलता है। करा कि यदि उनके प्रत्येक दिन के काम का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 है। एक बात बताइए यहाँ पर समझिए, 1/3, 1/4 और 1/6,
अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या? अरे 12 आएगा, तो 3 चौक को 12, यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर 4 3 12 यहाँ 3 आएगा, यानी 6 दूना 12, यहाँ पर आएगा क्या? 2 आएगा। यानी इनकी वर्क एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 4:3:2 है, यही तो है। अरे इतना आप समझ पा रहे हैं ना, 4:3:2 है, मतलब एक दिन में 4 काम करता है, ये 3 काम करता है, ये कितना काम करता है? 2 काम करता है। अगर ये 4 एक दिन में 4 काम करता है तो 7 दिन में किया कितना होगा? 28 काम किया होगा। एक कितना किया होगा? 24 काम किया होगा। एक कितना काम किया होगा? अरे 20 काम किया होगा, यही तो किया होगा। अब 369 रुपये मिले हैं तीनों के तीनों को, अब जोड़ोगे तो 20, 20, 40, 60 और 70, 2, 72, 72 यूनिट काम हो रहा है। किसका पूछा है कि कुशल मजदूर, कुशल मजदूर इसमें है कौन? अरे यस है ना, तो इसने 28 यूनिट काम किया है, और कितने में से? 369 रुपये में से, सॉरी 300, हाँ ठीक है 369 रुपये है। अब इसको काटोगे आप तो क्या आएगा? अरे 2 1 2, 2 2 2 4 8, और 2 3 6, 2 6 12, और 2 7 14, और 18 इधर आया। अब इधर काट लो आप, 9 2 18, और 9 4 36, 9 1 9, और यहाँ पर 7 1 7, 7 4 28 2, यानी 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, और 2 5 10, 143.5 रुपये मिलेगा। किसको? स्किल्ड लेबर को। स्किल्ड लेबर को कितना मिलेगा? 143.5 रुपये। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे होंगे। पहले तो दे है, 7 दिन कर रहा है, 8 दिन कर रहा है, 10 दिन कर रहा है, इनकी वर्क एफिशिएंसी का रेशियो 4:3:2 आया। तो अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है, अगर एक दिन में 4 काम ही कर रहा है, तो 7 दिन में 28 काम, ये 24 काम, ये 20 काम, सबको जोड़ोगे तो आएगा 72। 72 में से 28 किसने किया है? स्किल्ड लेबर ने किया है। और 369 रुपये में से कितना मिलेगा उसे? 28/72 मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं? इस प्रकार 369 का 28/72 होगा कितना? 143.5 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अब देखेंगे कि बिल्कुल आसान है अगर आप समझ गए हैं तो। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और बताएं उनको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो एक बहुत ही मज़ेदार एक अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है, 87 नंबर। देखिए कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 1/8 मोर डेज देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, व्हाइल बी टेक्स 12.5 डेज मोर टू कंप्लीट ए वर्क अलोन देन ए वर्क ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, हाउ मच टाइम बी अलोन कैन डू इट। कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करने की तुलना में ए 10/1/8 दिन अधिक दिन में एक काम पूरा कर सकता है, जबकि ए एंड बी एक साथ काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में बी को 12.5 दिन और लगते हैं। बी अकेले कितना समय में काम को पूरा कर सकता है? ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? बहुत ही आसान कंसेप्ट है इसका, बहुत ही आसान कंसेप्ट है इसका, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। लेकिन एक बार इसके कंसेप्ट को समझिए, ऐसे जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप करेंगे क्या, अंडर रूट में जितने भी अधिक हैं कितना, कौन कौन। अच्छा उसके पहले चीज़ों को समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर ए और बी अगर यक्स दिन ले रहे हैं काम को करने में, तो एक कितना दिन ले रहा है, एक ही बात आएगी, तो यक्स प्लस कितना,
10 सही 1/8 दिन ले रहा है। अगर बी की बात आई तो बी एक्स प्लस कितना दिन अधिक, 12.5 यानी 25/2 दिन अधिक ले रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना ये बहुत ही आसान मेथड है कि ये जो अधिक है ना इसी को इसी का आप अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट मतलब 10 सही 1/8 को लिख कह सकते हैं 81/8 प्लस इंटू, तो यहाँ पर इंटू करेंगे और ये 25/2। अरे 9 और 5 बाहर निकल जाएगा, 9×5/4 चौक को 8×2=16 करोगे उसका अंडर रूट 4 ये तो आएगा, और 9×5=45/2 अरे यही आया ना, यानी अंडर रूट के बाहर इसको निकालोगे तो 45/2 आएगा। अब पूछ रहा कि बी अकेले कितना समय में काम को पूरा कर सकता है। एक बात बताइए, यक्स की वैल्यू है यक्स बराबर अंडर रूट 81/8×25/2 लिखे हो, इसकी वैल्यू आई है 45/2। अब यक्स की वैल्यू अगर 45/2 आ गई तो हमसे बी से पूछ रहा है, तो 45/2 में सॉरी 45/4 आएगा यहाँ, अरे 4×8=16 इसका अंडर रूट निकालोगे तो 4 आएगा ना, यानी 45/4 आया। तो 45/4 प्लस यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 50/4 कर सकते हो कि नहीं, और 50 और 45 कितना लिखोगे, 95/4 यानी 4×2=8 और 4×3=12 13×14=15 यानी 3/4 23 सही 3/4 हमारा आंसर होगा। तो ये आखिर में कैसे हुआ है, जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चन को देखे इन दोनों का ही अंडर रूट निकाले, इसका अंडर रूट इसको और इसको, मतलब अंडर रूट में 81/8 इंटू 25/2 इसका एलसीएम हमने निकाला, अंडर रूट निकाला है तो आया कितना है 45/4। वही जोड़ देना है जो पूछे, जिसका टाइम पूछे, अगर बी का पूछा है तो इसमें जोड़ दोगे आप, अगर ए का पूछा है तो इसमें जोड़ दोगे आप। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आप जानना है कि यक्स की वैल्यू यक्स बराबर अंडर रूट ए बी आखिर में कहां से आया, अगर ए आपको सीखना है, इस कंसेप्ट को जानना है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंसेप्ट को बहुत बारीकी से बताएंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे, और एक क्वेश्चन और हम इस पर कराएंगे, और अगली वीडियो में हम मैन वोमेन और चाइल्ड दोनों लोग कैसे कैसे काम करते हैं वो चीज़ को हम सिखाएंगे। तो ये बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1000 होते ही लाइव आने लगेंगे हम लोग, और लाइव में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट वहीं पर आंसर दिया जाएगा आपको। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों को बताएं, दूसरों से सब्सक्राइब कराएं, और नई नई चीज़ों को लेके आएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क का रहेगा, जिसमें नल और सिस्टम्स कराने बाकी हैं अभी, और माइंड वोमेन पर 2-3 क्वेश्चन और आएगा आपके सामने। और इसको देखने के लिए धन्यवाद।